की पैदने में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे आप सबकी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो आज मेरी एनिवर्सरी है, तो मैं आज जा रही हूँ, घर में छोटा मोटा डेकोरेशन करेंगे तो उसके सब सामान ले जा रही हूँ, बलून्स वगैरह और क्या बनाऊँगी वो भी लेने जा रही हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। सब मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं घर पे आ गई हूँ और मैं क्या लाई हूँ दिखाती हूँ आप लोगों। ये पार्टी पॉपर लाया है मैंने और ये स्प्रे है और बलून्स लिए हैं ब्लैक कलर के लिए हैं और ये लिया है, दो सेलो टेप एक ये है और दो स्टिक्स है और ये लिया है और प्लेट ग्लास और ये चम्मच लिए है। मैंने इतना सामान लेके आई हूँ और जो बनाना है वो सामान ये सब है इधर पे, सब थैली में रखा है। अब जा रही हूँ फटाफट बनाने, तो मैं ये सब लेके अब जा रही हूँ, जो बनाना है मुझे शाम के लिए वो बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स मैंने नूडल्स का पूरी तैयारी की, आप लोगों को दिखाती हूँ बनाने जा रही नूडल्स। जी आप सब देख सकते हैं, या मैंने पानी में भी नूडल्स रखा है, अब इसको उबालना है मुझे। बहुत सारे मतलब बनाना है, बहुत सारे जन आ रहे हैं घर पर माशाल्लाह से, मेरी ननन वगैरह आ रही हैं, ये सब है। अब मैं नूडल्स बना रही हूँ। फ्रेंड्स ये मेरी नूडल्स बन गई है, थोड़ी बाकी हो जाएगी तो मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखाती हूँ। ये नूडल्स बनाया है देखिए, अब ये हुई नहीं हो जाएगी तो फिर दिखाती हूँ। अब मैं बना रही पास्ता, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सारे सॉस हैं और ये पास्ता है, ये मिर्ची है, ये सब पास्ता मसाला ये सब है, ये चिल्ली फ्लेक्स वगैरह है। तो अब चलो बनाती हूँ फटाफट, बन जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं मेरे पास, मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ। नूडल्स हो गई, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हो गई है, अब इसमें डाल दूँगी मैं हरा कटा हुआ धनिया, अब मिला लूँ। नूडल्स मैंने बनाई है इस तरीके से बनी है, अब दिखाती हूँ आप लोगों को पास्ता जो मैंने बनाया है। ये मेरा पास्ता भी हो गया, दिख रहा है आप लोगों को धुआं कि ये पास्ता हो गया है रेडी है। अब इसमें डालना है धनिया, डन। ये नूडल्स और ये है पास्ता, देखिए आप लोग। ये बड़े भगोने में ना मैंने नूडल्स बनाया है और ये मैंने पास्ता बनाया है। इसकी रेसिपी इसलिए नहीं दी क्योंकि इसकी रेसिपी यूट्यूब पे मैंने डाल रखी है। चीज़ी पास्ता, पास्ता बन गया, नूडल्स बन गए। अब आलू टिक्की बना रही हूँ, मटर आलू टिक्की और चिकन ब्रेड रोल, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ब्रेड, पानी, चिकन रोल्स, आलू टिक्की, इसलिए अब स्टार्ट क्यों हुआ। हमने बनाई है, मेरी नाजा मैन आई है मेरी हेल्प करने के लिए और ये हमारा आपने तो देखा है दरगाह की फोटो में, ये सब मैंने हाथों से अपना मटेरियल यूज किया। चिकन रोल है और ये आलू मटर घर में बना रहे, सब कुछ मैंने घर में बनाया, कुछ बाहर से नहीं लाया क्योंकि बाहर का मुझे नहीं जमता है, मैं सब घर का में ही बनाया। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं जरूर बताऊँगी। ये सब मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है, इसके लिए मैं नहीं बताया कि कैसे बनाना है। इसकी चाहिए आप तो बताना, फिर रेडी कर लो, रेडी हो जाओ फिर मिलूंगी। तो फ्रेंड्स ये मैं सब घर में बनाई हूँ, मेरे घर में मेहमान भी आ चुके हैं सब, ये सब बना चुकी हूँ। अभी ये रेडी कर लो, केक कटिंग करेंगे तो आप मेकअप कैसा हो गया मम्मी, मैं वापस जाके करो, आप वापस वापस नहीं करेंगे। हमारा केक है डेकोरेशन से, अरे रुक जाओ मेरे को ले लो, अरे बर्थडे नहीं है। एनएस भाई ये उधर ही हो गया, ये कर दिया, ये कर दिया।
स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये आज मेरे हस्बैंड फाइनली आ गए और ये मुझे कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। ये लो आपका गिफ्ट। थैंक यू। और ये लो आपका एक और गिफ्ट, ये आपके लिए गाउन है। ये लो, चलो। थैंक यू। तो ये दो मुझे गिफ्ट मिले हैं और एक गिफ्ट मेरे हस्बैंड का उधार रहा, वो कल दूंगी। तो ये सारा डेकोरेशन मेरे बेटे ने किया था, कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, हमारी एनिवर्सरी हो गई, हमने केक काट लिया और मैंने घर में जो भी स्नैक्स बनाया था वो बहुत सबको अच्छा लगा, सब ने बहुत तारीफ़ की। और मैंने उसकी रेसिपी सबकी इसलिए नहीं डाली, आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी है, नूडल्स की डाल रखी, पास्ते की डाल रखी, मटन आलू टिक्की की डाल रखी है। हाँ, मैंने चिकन रोल की नहीं डाली अभी तक। अगर आप लोग को मेरी चिकन रोल की रेसिपी चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया सब ने, हम लोग ने इतना मस्ती किया, सबको अच्छा लगा है। और जब फैमिली साथ में हो ना तो एक मज़ा ही अलग होता है, एक हर चीज़ का एंजॉय ही अलग होता है। और सब घर के बड़े आए थे, जो भी मुझे गिफ्ट भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट भी दिया और मेरी ननन लोग ने भी, जो भी मतलब मुझे लिफाफे भी मिले हैं, तो वो सब मतलब एक मोहब्बत होती है, एक प्यार होता है अपना बड़े लोगों का, जैसे कि बड़े लोग बहुत प्यार करते। मेरी ननन आई थी, उन्होंने दिया, मेरी जेठानी ने मुझे दिया, मेरी नाजमा बहन ने मुझे दिया, मेरी नसीन बहन ने मुझे दिया, मतलब सब ने मुझे लिफाफे दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि एक फैमिली का अपनापन है। तो बस हमारी फैमिली तो ऐसे कि जैसे ज़रा भी कुछ होता है किसी की खुशी में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं खुशी मनाने के लिए। तो बस यही चाहिए रहता है कि बस फैमिली का साथ हो, सपोर्ट हो, तो इंसान दुनिया की सारी जंग जीत जाता है। तो ये तो एक एनिवर्सरी थी, बहुत मज़ा आया मुझे, मुझे मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरी फैमिली और सब ने खाया मेरे यहाँ से, इसने सब ने मेरी तारीफ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तारीफ कोई करता है ना खाने का तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके बनाते हैं, कोई हमारी तारीफ करे तो एक अलग सी खुशी, एक अलग सी फीलिंग्स आती है कि कोई हमारी तारीफ कर रहा है, हमारी मतलब हमने अच्छा बनाया। तो मुझे मेरी तारीफ सुनना अच्छा लगता है जब मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ। तो बस यही कहूँगी कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा ज़रूर, तो इंशाल्लाह देखिएगा और एंड तक के देखिएगा। और आज का मैं ये वीडियो अपना यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सना की प्यार दुनिया को सब्सक्राइब करना। जिसने अब तक सना की प्यार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपको। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि मेरी एनिवर्सरी का जो ब्लॉग है वो आप लोगों को कैसा लगा। और अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, मुझे दुआ में याद कीजिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।